हेलो एवरीवन वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल हमारा आज का टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं हम इस टॉपिक को कवर करेंगे एम के थ्रू इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है सो लेट्स बिगिन द सेशन क्वेश्चन नंबर वन इज़ इन विच ईयर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज पास्ड तो ये पास किया गया है कब तो ये पास हुआ है 1980 में 1986 में आपका पास हुआ है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की ये 1980 में पास हुआ है इसको जो पास करवाया गया है किस लिए ताकि फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखा जाए जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है इसमें जो फर्दर अमेंडमेंट की गई है वह की गई है 1988 में नेक्स्ट क्वेश्चन इज केबुलम जाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच लेक तो ये कौन सी लेक पर देखने को मिलता है तो ये देखने को मिलेगा आपको लोकतक लेक जो कि कहाँ है मणिपुर में बात करें केबुल लम जाओ नेशनल पार्क की तो ये वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये देखने को मिलेगा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर और इसमें अगर हम बात करें कोलेरू लेक की तो ये कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया लोकतक लेक की बात हम कर चुके हैं वूलर लेक कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको जे एंड के में नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रामसर साइट्स हैव बिन डिक्लेयर्ड सो फार इन इंडिया तो एट प्रेजेंट कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में तो ये हैं 49 तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी बात करें अगर हम रामसर साइट्स की तो सबसे पहली जो रामसर साइट बनी थी वे कौन सी थी तो वे थी चिल्का लेक और ये कहाँ पे है ओडिशा में रामसर जो ये कन्वेंशन हुई थी ये कहाँ पे देखने को मिली थी तो ये हुई थी रामसर जगह है ईरान में और जो आपका ये रामसर कन्वेंशन हुआ था इसके अंदर क्या हुआ था तो बेसिकली इसमें किस चीज़ की कंजर्वेशन करने को कहा गया था वेटलैंड्स की और जो ये कन, ये कन्वेंशन साइन हुई थी ये साइन हुई थी 1971 में ठीक है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि ये कौन से ईयर में साइन हुई है जो रिसेंटली न्यू साइट्स ऐड हुई हैं रामसर साइट में वह कौन कौन सी हैं तो वे है आपकी बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है, देखने को मिलेगी यूपी में और एक है आपकी खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी ये है जामनगर गुजरात में ठीक है और जो वर्ल्ड वेटलैंड डे आता है ये कब आता है सेकेंड फेब को नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट इको सिस्टम ऑफ द अर्थ इज तो अर्थ का लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है तो वे है बायोस्फेर तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए बात करें हम इकोसिस्टम की तो इको सिस्टम किसे कहते हैं एंड इको सिस्टम इज एन इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी ऑर्गेनिजम्स बिटवीन ईच अदर एंड देर फिजिकल इन्वायरमेंट तो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म हैं इनका इंट्रैक्शन विद ईच अदर एक दूसरे के साथ और साथ में इनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके साथ इनका इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं इको सिस्टम ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिटेंट ऑफ बायोगैस आफ्टर मिथेन तो बायोगैस में जो मेन कॉन्स्टिटेंट देखने को मिलता है मिथेन के बाद कौन सा आता है तो वे है आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए मिथेन को और जाना जाता है किस नाम से मार्श गैस और स्वैंप गैस से इसका केमिकल फॉर्मूला है सी एच फोर इन विच ईयर द प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड तो कौन से ईयर में पास किया गया है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो ये पास किया गया है नाइनटीन एटी सिक्स में तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी जो ये पास किया गया था कौन से आर्टिकल के अंडर पास किया गया था आर्टिकल 253 के अंडर और ये आपका पास हुआ है मार्च 1986 में नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन एम ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका मेन एम क्या था तो इसका मेन एम था प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर तो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई थी सेप्टेम्बर सिक्सटीन नाइनटीन में इसका एम क्या था टू रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ केमिकल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ तो जिन जिन केमिकल्स के कारण ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है उनके प्रोडक्शन को क्या करना कंट्रोल करना तो ये इसलिए साइन किया गया था और इसको साइन किया था इनिशियली 46 कंट्रीज ने और अब एट प्रेजेंट 200 इसके सिग्नेटरीज़ हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा तो ये है हिमाचल प्रदेश में तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश के अंदर ग्रेट हिमालया नेशनल पार्क है पिन वैली नेशनल पार्क है इंद्रकिला नेशनल पार्क खीरगंगा नेशनल पार्क और एक है आपका सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एलग एंड फंजाई तो क्या बनता है इनके कॉम्बिनेशन से आपके पास ये चार ऑप्शन है आप इन्हें एक बार देख लीजिए तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज लाइक तो बेसिकली जो लाइकंस है ये फॉर्म होते हैं किसके कॉम्बिनेशन से एलगई एंड फंजाई के इन दोनों के बीच में देखने को मिलता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है जब दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जैसे कि एलगई हेल्प करेगा किस में क्या प्रोवाइड करने में फ़ूड और न्यूट्रिएंट्स में और जो फंजाई है ये किस में प्रोवाइड करेगा हेल्प ये हेल्प करेगा शेल्टर प्रोवाइड करेगा एलगई को ठीक है एलगई प्रोवाइड करेगा फूड और न्यूट्रियट्स और जो फनजाई है ये प्रोवाइड करेगा शेल्टर ठीक है तो इसे हम कहते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या रहेगा ऑप्शन आंसर तो है ऑप्शन सी अबायोटिक कंपोनेंट और फैक्टर्स आर नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट दैट अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोसिस्टम तो बेसिकली अबायोटिक कंपोनेंट में आपको देखने को मिलेंगे नॉन लिविंग केमिकल्स एंड फिजिकल पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट जैसे कि आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं लाइट एयर स्वाइल न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा ठीक है फॉर्म द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम वट इज द एच वैल्यू ऑफ एसिड रेन तो एसिड रेन की पी वैल्यू क्या देखने को मिलती है तो जैसे कि हम देखते हैं स्केल में सेवन जो रहता है ये रहता है न्यूट्रल इससे जो अबव रहेंगे वे रहेंगे बेसिक और जो बिलो रहते हैं वे रहते हैं एसिडिक इन नेचर ठीक है तो इसमें आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट होता है ये भी एलिमिनेट होता है तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए दैट इज़ लेस देन फाइव पॉइंट सिक्स एसिड रेन इज कॉस्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन दैट बेगेन्स वेन कंपाउंड लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर डिस्चार्ज इन टू द एयर ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन तो बेसिकली जो आपकी एसिड रेन रहती है ये एक केमिकल रिएक्शन होता है किन के कारण सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइटो प्रोटोकॉल इज इज रिलेटेड विथ तो किसके साथ रिलेटेड है ये तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज ग्लोबल वार्मिंग काइटो प्रोटोकॉल की बात करें इट इज एन ये भी एक इंटरनेशनल ट्रिटी है दैट एक्सटेंड दाइनटी नाइनटी टू यूनाटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज दैट कमिट्स स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस अमीशन तो ये की गई थी किसके लिए किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए ग्रीन हाउस गैस अमीशंस को जो आपका काइटो प्रोटोकॉल है ये अडॉप्ट हुआ था काइटो में जो कि कहाँ पर है जापान के अंदर जगह है एक ठीक है और जो काइटो प्रोटोकॉल है इसके अंदर जो आपको ये लगाया गया था छह ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर कौन कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन न्यूट्रस ऑक्साइड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पर एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड फ्लोराइड के ऊपर ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली अ मैन मेड ग्रीन हाउस गैस तो कौन सी है वे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन

तो जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पर ये रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें कहा जाता है इनका हैबिटेट तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज अ वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड तो उसे हम क्या कहते हैं तो आपके पास ये चार ऑप्शन हैं आप इन्हें एक बार देख लीजिए तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए दैट इज बायोडाइवर्सिटी तो बेसिकली जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है ये यूज़ की जाती है किसको डिफाइन करने के लिए फ्लोरा एंड फोना पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया फ्लोरा फ्लोरा बोलते हैं हम प्लांट्स को और जो फोना रहता है ये एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इन इज एनिमल अ सिमिलर स्टेट लाइक स्लीप टू रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक रेट इट इज़ कॉल्ड तो इसे हम क्या कहते हैं जो एनिमल्स अडॉप्ट करते हैं सिमिलर स्टेट जैसे कि वह सो जाते हैं ताकि अपने मेटाबॉलिक रेट अपने मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस कर सकें तो उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन मोड तो यह रहेगा आपका ऑप्शन सी इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइनास एंड वल्चर्स आर इन्हें हम क्या कहते हैं तो ये इन्हें कहा जाता है स्क्वेंजर्स तो स्क्वेंजर्स का मतलब क्या रहता है ये जो एनिमल्स होते हैं ये किने खाते हैं जो डेड एंड रोटिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो मर जाते हैं ऑर्गेनिजम्स उन्हें यह खाते हैं और जो ये स्कवेंजर्स होते हैं ये हमारे इनवायरमेंट को क्या रखते हैं क्लीन रखते हैं तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर एटीन इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स वेयर बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटिंग फ्रॉम वॉचिंग द अदर इज कॉल्ड तो इसे कहा जाता है म्यूचुअलिज्म तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए द टर्म इको सिस्टम वॉज प्रपोज बाय तो किसने दी है ये टर्म इकोसिस्टम तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज ए जी टांसले ने ठीक है इन्होंने ये टर्म क्वाइन की थी कब 1935 में नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिस्ट इन द इको सिस्टम तो इसका आंसर रहेगा आपका 20.95% परसेंट एंड 0.04% परसेंट तो ये रहेगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 इज डैश इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज एक्सप्लॉयड द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज इन द सेम वे तो उन्हें क्या कहा जाता है जो इन्हें एक्सप्लॉयड करते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स को तो वे हैं गिल्ड तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इज विच इज द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इको सिस्टम तो इसमें से अबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है तो सॉइल भी अबायोटिक है प्रोटीन भी अबायोटिक है एंड कार्बन भी अबायोटिक है तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव जैसे कि मैंने आपको बताया है अबायोटिक कंपोनेंट्स किसको इंक्लूड करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड इज द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड तो उसे हम कहते हैं बायोम तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी एसिड रेन इज अ रिजल्ट ऑफ ये हम कर चुके हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफियर इज प्रोड्यूस ड्यू टू तो ये किस कारण देखने को मिलता है तो इट इज़ ड्यू टू एब्जॉर्बन एंड रीअमीशन ऑफ इन्फ्रा रेड रेडिएशन बाय द एटमॉसफेयर तो कौन सा ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन ए तो बेसिकली जो आपका ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है ये क्या डिस्क्राइब करता है ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू किसके कारण हो रहा है ये टेम्परेचर इंक्रीज़ ग्रीन हाउस गैसेज के कारण कौन कौन सी हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड ये सब एग्जाम्पल हैं ग्रीन हाउस गैसेज के तो इन सब के कारण क्या हो रहा है आपका ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है द रिजल्ट ऑफ एसिड डिस्पोजिशन इज तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए डाइन फॉरेस्ट एंड लेक्स तो इसका आंसर है ऑप्शन ए द रीज़न फॉर सॉइल पल्यूशन इज तो जो सॉइल के अंदर पल्यूशन देखने को मिल रहा है इट इज़ ड्यू टू एसिड रेन तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी द नैचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिजम और कम्यूनिटी इज़ तो उसे हम क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं हम हैबिटेट विच इज द रीन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल एनर्जी रिसोर्स तो कौन सा है इसमें तो आपके पास ये चार ऑप्शन है आप इन्हें एक बार देख लीजिए तो जो रिन्यूएबल है वे है बायोमास तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नोन एज वो प्लांट जो सनलाइट के डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में जब आते हैं तभी ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कौन से प्लांट्स होते हैं वो तो उन्हें कहा जाता है हेलियोफाइट्स तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए प्लांट ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज तो जो शेड के अंदर ग्रो करते हैं छाया के अंदर ग्रो करते हैं उन्हें कौ, वह कौन से प्लांट्स होते हैं आपके तो उन्हें कहा जाता है सायोफाइट्स तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी तो कौन इनमें से किसे मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है तो आपके पास ये चार ऑप्शन देख लीजिए तो वे रहेंगे आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर थर्टी थर्ड इज द बॉटम एरिया वे प्रोडक्शन इज लेस देन रेस्पिरेशन इन अ इकोसिस्टम इस टर्म डैज तो उसे कहा जाता है प्रोफंडल प्रो जोन तो ये रहेगा आपका प्रोफंडल जोन ऑप्शन ए नेक्स्ट वन इज विच इज नोट द करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन तो इसमें से कौन सा नहीं है तो वे है स्ट्रेटरीफिकेशन स्ट्रेटिफिकेशन इसकी करैक्ट्रिस्टिक नहीं है तो जैसे कि नेटेलिटी हम किसे कहते हैं बर्थ रेट को कहा जाता है मोरटेलिटी कहा जाता है डेथ रेट को सेक्स रेशो किसको कहा जाता है इट इज द रेशो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय पर थाउजेंड बॉयज ठीक है तो इसमें कौन सा नहीं है करेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन का तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी लिंकन इंडेक्स मेजर तो ये क्या मेजर करता है तो आपके पास ये चार ऑप्शन हैं। आप इन्हें एक बार देख लीजिए तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज पॉपुलेशन साइज एलेलोपैथी रेफर टू तो ये किस चीज़ के बारे में बात करती है तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए दैट इज़ इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ़ वन स्पीशीज बाय अनदर बाय द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन अ फूड चेन इज नोन एज तो इसे हम क्या कहते हैं तो आपके पास ये चार ऑप्शन है आप इन्हें एक बार देख लीजिए तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहा जाता है ठीक है द एबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड तो उसे हम क्या कहते हैं तो उसे कहा जाता है बायोटिक पोटेंशियल तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज तो इको के अंदर जो आपका एनर्जी फ्लो देखने को मिलता है ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल देखने को मिलता है एक ही डायरेक्शन को जाता है देखा है ना एक यूनिट डायरेक्शन का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज अ के सिलेक्टेड स्पीशीज तो के सेलेक्टेड स्पीशीज कौन सी है इसमें तो वे हैं ह्यूमन तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी ऑल स्पीशीज ऑफ लेमूर आर एंडेमिक टू विच एरिया तो कहाँ पे देखने को मिलेंगे ये आपको तो ये देखने को मिलती है मेडागास्कर में तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपर पार्ट ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन्स तो इसका आंसर रहेगा आपका अपर पार्ट में क्या देखने को मिलता है एक्वाटिक इकोसिस्टम के तो देखने को मिलेंगे आपको प्लैंकटन तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थर्ड इज़ वट टाइप ऑफ फूड चेन इज इट डेड एनिमल्स को खा रहे हैं ब्लू फ्लाई मैगट इनको फिर खाया जा रहा है मैगट्स के द्वारा मैगट्स को खा रहे हैं कौन फ्रॉग और फ्रॉग को खाया जा रहा है कौन खा रहा है फ्रॉग को स्नेक तो ये कौन सी फूड चेन है तो ये है डेट्रेटल फूड चेन तो बेसिकली जो डेट्रेटल फूड चेन है ये स्टार्ट कहाँ से होती है डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से तो जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये स्टार्ट हो रही है किससे डेड एनिमल से तो इसलिए ये रहेगी आपकी डेट्रेटल फूड चेन आइडेंटिफाई दिस मैचड पेयर तो इसका आंसर है ऑप्शन सी क्योंकि प्रेरी में प्रेरी में आपको देखने को मिलेगा टॉल ट्रीज एंड श्रब्स ठीक है तो इस यहाँ पे आपको ये देखने को मिलते हैं तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट तो जो पिरामिड रहता है आपका एनर्जी का ये हमेशा अपराइट रहता है क्यों क्योंकि जो एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है किसकी हर्बी वोड्स की वो ज़्यादा होती है किन के कम्पेरेटिवली कारनी वोड्स के कम्पेरेटिवली तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड डिक्लाइंड इन एन एरिया वेयर द डीडी टी वॉज एक्सटेंसिवली यूज बाई क्योंकि जो हायर अमाउंट डी डी टी है ये क्या करता है डिस्टर्ब करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बर्ड्स का जिसके कारण क्या होगा जो एग शेल्स है उनकी थिनिंग हो जाती है और क्या रहता है उनकी जो प्री मेच्योर ब्रेकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और ये एम्ब्रॉय को किल कर देती है जिसके कारण की जो आपके ये एग्स हैं वे क्या रहते हैं वे हैच नहीं होते तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक जोन्स हैज़ फाइटो प्लैक्टन्स इन अबंडेंस तो कौन सी है वे तो इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी दैट इज लिमनेटिक जोन प्लांट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इज प्लांट स्पीशीज विद द वाइड रेंज ऑफ जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन इवॉल्व इन टू अ लोकल पॉपुलेशन नॉन एज तो उसे कहते हैं इकोटाइप तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए डी बी इज द एब्रीवेशन यूज फॉर द क्वान्टिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ तो किसके लिए यूज किया जाता है इसे पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट के लिए तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इज बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगा तो ये देखने को मिलता है आपको वेस्ट बंगाल में तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन